सभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन और आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, बहस होगी। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल विधानसभा में पेश हुआ 7301 करोड़ का अनुपूरक बजट, युवाओं को रोजगार के लिए 3000 करोड़ की व्यवस्था। तो आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तो युवाओं को रोजगार के लिए 3000 करोड़ की व्यवस्था, 7301 करोड़ का अनुपूरक बजट कल पेश किया गया, आज इस पर चर्चा होगी। 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने बजट पर भी सवाल उठाए। तो अनुपूरक बजट में किसके लिए क्या प्रावधान है, यह भी हम आपको बता दें। अनुपूरक बजट आम बजट और प्रदेश के 7,85,000 कर्मियों को मानदेय, छुट्टा गोवंश की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी इसमें प्रावधान, बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था, युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर व्यवस्था की गई, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था, तो बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन, टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी इसमें राशि का आवंटन, आशा कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय वृद्धि के लिए भी आवंटन, तो रोजगार सेवकों के लिए मानदेय में वृद्धि के लिए 40 करोड़ से ऊपर का राशि को आवंटन, पीआरडी जवानों के लिए भी मानदेय वृद्धि के लिए आवंटन किया गया। तो अनुपूरक बजट में किसके लिए क्या क्या प्रावधान है ये भी हम आपको बता रहे हैं और इस पर आज सदन में चर्चा होगी। तो आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन और अनुपूरक बजट कल पेश हुआ, 7301 करोड़ का बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया और आज सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में 11 बजे इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अयोध्या में पार्किंग और जन सुविधाओं के विकास के लिए 209 करोड़ रुपए, लखनऊ में आंबेडकर स्मारक के लिए 50 करोड़ रुपए, उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए भी इसमें प्रावधान और तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसको लेकर सरकार आज चर्चा करने वाली है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का आज समापन होगा, मिर्जापुर में जन आशीर्वाद यात्रा का समापन करेंगी अनुप्रिया पटेल। बीएल वर्मा की जन आशीर्वाद यात्रा का बदायूं में समापन होगा। महाराजगंज से कासगंज पहुंचेंगे पंकज चौधरी की जन आशीर्वाद यात्रा और आगरा से एसपी सिंह बघेल की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन। तो आपको बता दें कि किसने कहां से शुरू की थी यात्रा ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा का आज समापन है और कहां कहां कौन सी जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा की संपन्न हो रही है वो आपको बता रहे हैं। तो मथुरा से आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर होते हुए आज इस यात्रा का समापन होगा। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और अनुप्रिया पटेल ने 18 अगस्त को प्रयागराज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। प्रतापगढ़ होते हुए आज मिर्जापुर में होगा इस यात्रा का समापन। केंद्र की योजनाओं को जनता से केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर संवाद किया और मंशा यही है कि चुनाव से पहले जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों को बताई जाएं कि उसका लाभ किस तरह से लोगों तक पहुंचाए। बिल्कुल लवि, देखिए ये पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। कैबिनेट विस्तार के बाद जो तमाम नए पदभार ग्रहण करने वाले मंत्रीगण थे उनको उन्हीं के क्षेत्र में भेजा गया, जहां से वो आए हैं वहीं जाइए और अच्छे से रूपरेखा तैयार हुई थी कितने विधानसभा क्षेत्र में, कितने संसदीय क्षेत्र से ये यात्रा गुजरेगी, इसे अब पूर्णतया आज समाप्त कर लिया जाएगा, समापन की ओर बढ़ेगी। और यात्रा में तमाम लोगों को, तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, तरह तरह के पड़ाव बनाए गए थे, उन पड़ाव पर मंत्रीगण मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे ताकि अगुवानी कर सके इस यात्रा की।